अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम कर रहे हैं MGT 402 का फोर्थ लेक्चर। ठीक है, ये MGT 402 की हमारी सीरीज़ जा रही है। तो अभी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो यहाँ पर जो है हम स्टार्ट करते हैं, और जो जो मैं चीज़ें आपको बता रही होती हूँ उनको जो है अच्छे तरीके से देखा करें। ठीक है, और एक एक चीज़ को जो है मैं डिटेल वाइज इसीलिए करवाती हूँ ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको जो है जो भी एडिटिंग वगैरह करनी थी उसमें कोई फार्मूलाज जो हैं वो बना के ऐड करने थे वो मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब यहाँ पर जो है ये हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है ये लेक्चर लेसन फॉर, ये हैंडआउट से मैं करवा रही हूँ। ठीक है, कहीं और से नहीं करवा रही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, कंटिन्यूड है ये। मतलब ये लास्ट थर्ड लेक्चर जो भी था ना वो भी इसी से रिलेटेड था। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, इसके जो सिक्स बेसिक एलिमेंट्स थे ये हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। अभी एक दफ़ा फिर से इसको रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर कॉस्ट, कॉस्ट में है मटेरियल एंड सप्लाइज़। उसके बाद यहाँ पर है लेबर, FOH मीन्स फैक्ट्री ओवरहेड। इन्वेंट्रीज जो हैं इनमें है मटेरियल एंड सप्लाइज, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है अब हमारी एक छोटी सी एग्जांपल स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। और मैंने जैसे पहले किया है कि हर एग्ज़ाम्पल जैसे जैसे आएगी उसकी नंबरिंग वैसे ही होगी। ठीक है, इसी तरह से मैंने जो है करना है। और अभी जो है हम देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन रुपीज़। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये हमें चाहिए, ये है एक्चुअली हमारा टॉपिक। ठीक है, तो ये है यहाँ पर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट दी हुई है, उसके बाद ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री, फिर उसके बाद जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस है, और ये चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको जो है थोड़ा सा हाइलाइटेड कर लूँ। इसमें से हमारा ये आ रहा है एक फार्मूला और ये दूसरा, बाकी की जो चीज़ें हैं वो हमें दी गई थी। ठीक है, तो ये जो हैं ये हमें कैलकुलेशंस के बाद हासिल हो रही हैं। पहले जो है यहाँ पर ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड कर दिया ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री। ठीक है, ये 230,000 था, ये 30,000 था, ये जो है टोटल हो गया हमारा 260,000। ये आया क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पर मैंने इसका जो है फार्मूला भी दे दिया है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इक्वल टोटल फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री। ठीक है, तो इसी तरह से जो है नीचे हमारा इसके बाद जो कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड है इसके अंदर जो है हमने इसमें से लेस कर दिया है क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस, तो ये हमारा था 50,000। तो 260,000 में से 50,000 जो है वो माइनस कर दिए, तो ये हमारा आ गया 210,000। तो ये हमारा जो है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके अंदर जो ये इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है।
अभी जो है यहाँ पर इसमें एक नोट भी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ द वर्क दैट वाज इन प्रोसेस इन द लास्ट ईयर क्लोजिंग वर्क WIP इन्वेंट्री, मतलब वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, बिकम्स ओपनिंग WIP इन्वेंट्री ऑफ द करेंट ईयर, कि मतलब जो काम हम जो है लास्ट ईयर वो स्टार्ट किया था, अब जो है वो इस साल का ओपनिंग है, स्टार्टिंग है, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो उसका क्लोजिंग था, अब जो है उसका स्टार्टिंग है, वर्क इन प्रोसेस जो इन्वेंट्री है, ठीक है, ये है इसका स्टार्टिंग अब नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटे से एग्जांपल और इसके फार्मूलाज जो हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आप जो है इसको कर लें। मैं लास्ट में जाके ना इसको इंशाल्लाह हम जल्द ही कवर करते हैं, और जो है इसको हम जो है मैं आपको ये इस तरह से बनाई हुई जो है ये पूरी मुकम्मल फ़ाइल जो है MGT 402 के जो हैंड आउट्स हैं ये मैं आपको दे दूंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये अभी जो है फोर्थ लेक्चर जो है हमारा ये कंप्लीट हुआ है, मतलब अभी लेक्चर्स में कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इसकी ये सारी की सारी मैनेजमेंट मैंने कर ली हुई है फोर्थ की, अभी जो है 6 5 जो है वो करूँगी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं साथ साथ करती जा रही हूँ इसको, और साथ जो है यहाँ पर लेक्चर दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो है इस तरह से इस मैनेजमेंट के साथ इजीली समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको इसके अच्छे से समझ आ रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।